So hey, hello everyone, and welcome back to my channel. I am Anushka. For today's video I'm going to show with you a vlog. So आज का vlog होने वाला है ऐसे ही एक vlog में आप लोगों के साथ एक recipe भी share करने की सोच रही हूँ. मैं बताऊँगी धीरे धीरे. तो अभी फिलहाल बज रहे हैं, एक बजने वाले हैं, 10 मिनट है. एंड टाइगर एकदम बनाना वगैरह ये सब मैं भी खाई थी तो उसको भी थोड़ा दे दिया एक बनाना. एंड वो सब खा के अभी मस्त सोया है. और मेरे मोबाइल में है 4% चार्ज. तो सोच रही हूँ कि इंट्रो बना के अभी चार्ज कर दो. हाँ, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए. बाय बाय. इस वीडियो को लास्ट तक देखिए. मैं सोच रही हूँ कि चलिए अभी रेसिपी शेयर करती हूँ. मैं व्लॉग तो अभी स्टार्ट किया ही था. तो अभी मैं थोड़ी देर पहले नहा के आ गई, उसके बाद खाना खाया, देन अभी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी. तो ये रेसिपी है मैंगो केक. चलिए बनाते हैं. आप लोग देखिए रेसिपी, आप लोग भी ट्राई कीजिए. मैंगो का सीजन है और सबके घर में मैंगो भरा पड़ा है. ऐसे ही कट करके खाने में मज़ा नहीं आता, तो डिफरेंट कुछ करके. तो चलिए खाते हैं मैंगो केक, बनाते हैं. लेट्स सी कैसे बनाती है दीदी. सो गाइस, मैंगो केक बनाने के लिए हमें तो चाहिए मैंगो. और लेकिन फर्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे दीदी ने डाला है मैदा फ्लोर. एंड अभी इसको दीदी अच्छे से छान लेगी मुँह में ही नहीं आता है. सो अच्छे अभी यहाँ पे डाला है 1 कप आइसिंग शुगर. और अभी इसको भी अच्छे से दीदी छान लेगी. एंड देन अभी यहाँ पे डाला है और थोड़ा सा आइसिंग शुगर, मतलब एक मात्रा में डालना है. और उसके बाद ये डाला है बेकिंग पाउडर. अभी इनको अच्छे से मिक्स करना है, बेकिंग पाउडर वगैरह सब डाल के. देन अभी एक और दूसरे बाउल में 1/2 कप ऑयल और 1 कप मिल्क डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है. एंड अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे डालना है मैंगो पल्प. और अभी इसको फिर से अच्छे से मिक्स करना है. तो इसमें 1 मैंगो मतलब का फुल पल्प है. एंड देन अभी यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था, मैदा वगैरह ये सब, इन सब को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है. तो अभी अच्छे से मतलब मिक्स करने के बाद दीदी ने लास्ट में 1 स्पून विनेगर ऐड किया है, क्यों पता नहीं बस. ओके, और ये बाउल में जो मैदा और ऑयल है वो आप लोग बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये काम मैंने किया है वैसे. हाय हाय. और अभी अच्छे से डाल के हार्ड शेप के उस कंटेनर में. देन अभी एक कढ़ाई में सॉल्ट डालना है, जो देसी ओवन होते हैं इस टाइप के, करके अभी इसके ऊपर रख के अच्छे से ढक्कन लगाना है. सो गाइस, अभी दीदी जो केक बना रही थी वो हो ही गया है. अभी ठंडा करके उतारेंगे, थोड़ी देर है. तो मैंने अपने लिए बनाया है फ्रेंच फ्राइज और मैगी. तो पापा ने फ़ोन किया था, पापा गुवाहाटी गए हैं, दादी थोड़ी बीमार है, सो वहाँ पे हॉस्पिटल में रखना पड़ रहा है. तो वही पापा आना जाना लगा रहा है सबके. तो ठीक, अभी अच्छी है फ़िलहाल. और देन
क्या बोल रहे हो? तो अभी दादी काफ़ी मतलब ठीक है। सो मैं बोल दूँ कि पापा ने फ़ोन किया था, उसके बाद पापा ने बोला कि मैं नहीं हूँ, इसलिए आज दोनों ने पूरा एकदम बना लिया, बहुत ज़्यादा बनाया। फिर मम्मी ने बोला सिर्फ आलू फ्राई किया है, आलू फ्राई किया है, मतलब फ्रेंच फ्राइज की इज्जत ही मिट्टी में मिला दी मेरी मम्मी ने। मैं कुछ भी बनाऊँ ऐसे बोलते हैं, वाह मैं बोगा बोगा मतलब अच्छा फ्रेंच फ्राइज मैंने फ्राई किया, वो ब्लैक ब्लैक सा हो गया, मतलब जला नहीं, तेल थोड़ा सा खराब था, तेल खराब भी नहीं था, क्या हुआ मतलब उसमें मैं उसमें तेल को मैंने ज्यादा गर्म कर लिया, फिर तेल खराब हो गया, देन मतलब ज्यादा वो हो गया कुक, देन इसमें डाल दिया तो ब्लैक ब्लैक हो गया। अभी मैं खाना सामने होता तो मैं पागल हो जाती हूँ। और अभी मैं ढूंढ रही हूँ फिलहाल सॉस। मेरा ना इन दिनों का वीडियो बनाने का कुछ मतलब मुझे टॉपिक ही नहीं आ रहा, टॉपिक बहुत सारे हैं बनाने के लिए, वो नहीं है। और आप लोगों को मैं एक बात बोल दूँ, अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है या फिर मुझे लाइव देखना है तो स्टार मेकर डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे आप लोग मेरी फैमिली, थैंक यू मेरी दीदी मेरे बर्तन धो रही है, लव यू। अगर कभी मैं अच्छी नौकरी करूंगी ना, यूट्यूबर बनूंगी, तुझे ही मैं अपनी नौकर रखूंगी, 200 रुपया दे, नहीं 150 रुपया देगा। आप लोग स्टार में डाउनलोड कर लीजिए, देन मेरी फैमिली भी है एक डम्बोज नाम करके, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी फैमिली में। और वो सब छोड़िए, अभी मैं सॉस सुन रही हूँ, उसके बाद मैं खा। So guys, here is our mango cake. ये अंदर का बहुत ज़्यादा अच्छे से फूला था, पता नहीं क्यों अब दब गया, तो अभी मैं इसको डेकोरेशन करती हूँ कुछ छोटे मोटे चॉकलेटों से, ज़्यादा तो डेकोरेशन करने की चीज़ें हैं नहीं अभी अवेलेबल, सो चॉकलेट से ही कुछ करते हैं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। So guys, here is our cake. बहुत ही ज़्यादा सिंपल डेकोरेशन, ऊपर सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट डाल दिया, एंड व्हिप क्रीम था पर वो एक्सपायर्ड हो चुका था, सो नहीं डाल सकते, गया काम से दूध। So guys, ये चॉकलेट से ही हो गया और दूध भी वहाँ पर मतलब उबल उबल के गिर गया, एंड जस्ट लुक एट दिस, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा बट खाने में टेस्टी होगा, बिकॉज इसमें मैंगो और चॉकलेट है, मेरे फेवरेट है दोनों। सो गाइज, अभी 12 बज गए हैं और मैं और दीदी ऐसे ही थे, कुछ करने को मतलब नींद नहीं आ रही थी, तो ऐसे ही हम लोग रहते हैं, और सुबह भी कुछ काम नहीं होता तो दीदी और मैं इसलिए कभी देर तक जगते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं ऐसे, तो आज भी वैसे थे एंड मूवी वगैरह देखी, देन अभी मैं हाँ। सो गाइज 1 मिनट, मेरे पापा मोबाइल मांग रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए रियलिटी, मुझे ना मोबाइल मतलब इतने अच्छे से मिलती नहीं है, जब लाती हूँ 5 मिनट ऐसे मोबाइल को ऑन करने में ही 5 मिनट चला जाता है, देन पापा मांग लेते हैं देना पड़ता है मेरी जिंदगी। सो गाइज ले आई, मैं पापा को बोल के थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है तब दे देते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले गुवाहाटी से आया है, सो इसलिए पापा टायर्ड भी है, सो मोबाइल नहीं देखेंगे, सो मुझे मिल गया। अभी मैं अपने चैनल का भी कुछ करने का ट्राई करती हूँ इन दिनों, मतलब बहुत कुछ कर रही हूँ मैं अपने चैनल को, थोड़ा सा चेंज करने का, मतलब चेंज नहीं करूँगी, नेम DP वगैरह वही रहेगा, ऊपर का जो बैनर वगैरह आप लोग ने देखा होगा मैंने लगा दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, एंड वही। और आप लोग को मैं एंडिंग में एक बात बोल दूँ, अगर आप लोगों को मेरी फैमिली ज्वाइन करनी है तो स्टार मेकर डाउनलोड करके वहाँ पे डम्बोज लिख दीजिए, डम्बोज लिखने के बाद वहाँ पे आ जाएगा एक एलिफेंट ऐसे प्लांट को ऐसे देख रहा है कुछ ऐसा, एक DP आ जाएगा, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देन आप लोगों को एक और बात बोलती हूँ मैं, क्या आप लोगों को मतलब मुझे तो अभी तक कम्युनिटी ऑप्शन नहीं मिला, और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को नहीं मिले, और मुझे कभी मिलेगा मैं इस जन्म में तो नहीं सोचूंगी भाई साहब। सो आप लोगों को मैं बोलती हूँ
कि आप लोगों को हॉरर वीडियोस चाहिए या फिर कोई स्टोरी वीडियो चाहिए, मेरी लाइफ की कुछ मतलब जो मुझे आज तक याद है उस टाइप की आप लोगों को स्टोरी वीडियो चाहिए, आप लोग बोलिए हॉरर वीडियो या फिर स्टोरी वीडियो या फिर कोई चैलेंज या फिर फैशन। मैंने ये चार ऑप्शन दे दिया, आप लोग कोई भी आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप लोग दे दीजिए, मैं उनमें से एक बनाऊंगी, मैं सोच रही हूँ। और हॉरर वीडियो मैं गाइस बनाना चाहती थी, मुझे कमेंट भी आया था, लेकिन मतलब मुझे डर लगता है सीरियसली बोल रही हूँ। बाकी यूट्यूबर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाया भी है, सो उन लोगों को पता नहीं उन लोगों को भी डर लगा होगा, बट मुझे स्पेशली होस्ट वगैरह इन सब से बहुत हद से ज़्यादा डर लगता है। सो इसलिए पता नहीं कभी मैं हॉरर वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं, बट फिर भी मैंने ऑप्शन दे दिया है आप लोगों को, और लेट्स सी, अगर हॉरर वीडियो तो मैं आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी बता दूँगी, इससे ज़्यादा मुझसे क्या हो पाएगा। लेट्स सी, मैं ट्राई करूँगी कभी, अगर मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स जब आते हैं ना तब ये सब वीडियो बनाने में मज़ा आता है, सब साथ होते हैं डर नहीं लगता, बट अकेले में नहीं होता, मेरी दीदी शूट करती है और मैं अकेले ये सब। सो आप लोग इन सब में से एक चूज़ कीजिए और मेरी फैम ज्वाइन कीजिए, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय। और 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, थैंक यू सो मच, आई थिंक इस वीडियो के बाद हो जाए ओके। और 300 सब्सक्राइबर होने के बाद मैंने आप लोगों को जो जो ऑप्शन दिया उनमें से ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मतलब मैं सोच रही हूँ क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, आगे देखा जाए, बट मैंने आप लोगों को बोल रखा है, तो अगर 300 सब्सक्राइबर हो जाए मेरे दिल खुश हो जाएगा। जल्दी जल्दी 500 कीजिए, देन 800, देन 1K, ओ माई गॉड मैं पागल हो जाऊँगी। सो लव यू वेरी मच, ऐसे जाके ऐसे, so bye bye, love you all.